रशिया वर्सेस यूक्रेन, किसके पास सबसे पावरफुल मिलिट्री है? जहां रशिया अपनी जीडीपी का 4.3% मिलिट्री एक्सपेंस पे खर्च करता है, जो कि 2021 में 61.71 बिलियन डॉलर था, वहीं यूक्रेन अपनी जीडीपी का 3% मिलिट्री एक्सपेंस पे खर्च करता है, जो कि 2021 में 6 बिलियन यूएस डॉलर था। एक्टिव मिलिट्री पर्सनल के मामले में रशिया के पास 30 लाख एक्टिव मिलिट्री पर्सनल हैं, वहीं यूक्रेन 11 लाख के साथ पीछे रह जाता है। रशियन एयरफोर्स दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी एयरफोर्स है, वहीं यूक्रेन के पास दुनिया की 31वीं सबसे बड़ी एयरफोर्स है। जहां रशिया के पास 4,163 एयरक्राफ्ट है, वहीं यूक्रेन 285 एयरक्राफ्ट के साथ इस रेस में पीछे रह जाता है। रशिया के पास दुनिया में सबसे ज्यादा टैंक्स है, इनकी संख्या 12,400 से भी ज्यादा है, वहीं यूक्रेन के पास 2,596 टैंक्स है। 1991 में रशिया से अलग होने के बाद यूक्रेन के पास एक भी न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है, वहीं रशिया दुनिया में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब रखने वाला देश है, जिनकी संख्या 6,000 से भी ज्यादा।